कुंजाल फ्रॉम डायरेक्टर्स इन्वेस्टमेंट्स.com। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का नाम है यूनिपार्स इंडिया लिमिटेड। ये अपने एक आईपीओ लेके आ रहे हैं, 835 करोड़ का इश्यू साइज है। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशनड है, आप देख सकते हैं। क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें कि ना करें, जानिए इस वीडियो के थ्रू, एंड तक देखिए एंड यू विल एनालाइज। यूनिपार्स इंडिया लिमिटेड ये क्या करती है, दे आर वन ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंजीनियर्ड सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस। दे आर द लीडिंग सप्लायर ऑफ सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स फॉर ऑफवे हाईवे मार्केट्स इन द एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एंड आफ्टरमार्केट सेक्टर्स विद प्रेजेंस ओवर 25 कंट्रीज। इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड है इस कंपनी का। कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, इट इंक्लूड्स 3-point लिंकेज सिस्टम्स एंड प्रिसिशन मशीन पार्ट्स एज वेल एज एडजेसेंट प्रोडक्ट वर्टिकल और पावर टेक ऑफ। ऑल दीज आर मशीन पार्ट्स व्हिच दे मैन्युफैक्चर, साइमल्टेनियसली दे मैन्युफैक्चर्स फैब्रिकेशन एंड हाइड्रोलिक सिलेंडर्स एंड कंपोनेंट्स। यूनिपार्ट्स के इंडिया में 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। 2 आर एट लुधियाना, 2 आर एट नोएडा इन उत्तर प्रदेश एंड 1 इज इन विशाखापट्टनम व्हिच इज इन आंध्र प्रदेश। यू वुड बी सरप्राइज्ड, इनका वेयर हाउसिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग है एल्ड्रिज लोवा व्हिच इज इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड 1 इज इन अगस्ता जॉर्जिया। वो क्यों है, बिकॉज दे हैव एक्वायर्ड ऑल्सन इंजीनियरिंग इन 2005, इसलिए ऑल्सन इंजीनियरिंग को आजकल यूनिपार्ट्स ऑल्सन बोलते हैं। दैट पार्ट दैट कंपनी इज इन अगस्त जॉर्जिया। सो इनका इंटरनेशनल प्रेजेंस भी बहुत ही अच्छा है। कंपनी के स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, कंपनी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है इंटरनेशनल मार्केट में, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। 25 कंट्रीज में प्रेजेंस है एंड नॉट टू फॉरगेट इनका मैन्युफैक्चरिंग वेयरहाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज आउटसाइड इंडिया भी है, तो दैट्स अ गुड साइन आल्सो। कंपनी का जो सेल्स है वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंडिया से भी होता है एंड साइमल्टेनियसली फॉर द इंटरनेशनल मार्केट, तो दोनों जगह से दे आर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट्स। एक्सपोर्ट सेल फ्रॉम इंडियन लोकेशन डायरेक्टली टू ओवरसीज कस्टमर्स, साइमल्टेनियसली वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स करते हैं एंड सेल्स फ्रॉम वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज इन द रिस्पेक्टिव डोमेस्टिक मार्केट्स। इंटरनेशनल तो एक्सपोर्ट करते ही करते हैं, बट साइमल्टेनियसली इंडिया में भी वो अच्छा बिजनेस करते हैं बाय सेलिंग दीज कंपोनेंट्स। रिस्क क्या है, रिस्क सबसे बड़ा कंपनी का ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम अ स्मॉल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। स्मॉल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इनका इंटरनेशनल मार्केट में जो प्रेजेंस है वो अच्छा है, बट डेफिनेटली द कस्टमर्स आर लिमिटेड नंबर्स। देयर बिजनेस कैश फ्लोस फाइनेंशियल सिचुएशन रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन एंड प्रोस्पेक्ट्स मे ऑल सफर इफ देयर इज एनी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस व्हिच कम्स अप विद रिगार्ड टू डिमांड एंड सप्लाई। लेटेस्ट एग्जांपल कोरोना हम देख ही चुके हैं। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अगर बढ़ जाता है तो वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे। डॉलर का ऊपर नीचे होना भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे। दे आर वल्नरेबल टू स्विंग्स इन फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज व्हिच कुड इंपैक्ट देयर बिजनेस, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। इसलिए फॉरेन एक्सचेंज स्पेशली डॉलर्स का एक वल्नरेबिलिटी तो रहता ही रहता है। हमने स्ट्रेंथ जाने, रिस्क जाने, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स ये है आपके सामने। अगर हम देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 31 मार्च 2019 को था 69 करोड़ रुपीज, जो कि 31 मार्च 2022 को गया 166, सो अप्रोक्सीमेटली आई वुड से अप्रोक्सीमेटली 3 times, विच इज अ गुड साइन। सो अगर हम देखें ट्रेंडिंग फिगर्स 30th June 2022 को, तो अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ तो कर ही चुके हैं वो, तो इट मींस दे आर गोइंग द राइट डायरेक्शन। इनका टोटल बोरोइंग्स अगर हम देखें तो पहले था 345 करोड़ रुपए, जो कि इन्होंने कम कर दिया 31 मार्च 2022 को हो गया 127 करोड़। सो गुड साइन, वेरी गुड साइन। तो कंपनी का स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का इंटरनेशनल एक्सपोजर है, हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड नॉट टू फॉरगेट कंपनी की बोरोइंग्स भी ना के बराबर है, मतलब कम हो गई है, 345 से 127 के आसपास आ चुकी है, व्हिच इज अ गुड साइन। ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, कंपनी विल डेफिनेटली नॉट रिसीव एनी ऑफ दिस मनी, ये सारा का सारा पैसा रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स लेके जा रहे हैं, तो रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं एंड दे आर यूटिलाइजिंग दिस मनी फॉर देमसेल्व्स। कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, कंपनी के प्रमोटर्स है मिस्टर गुरदीप सोनी जी एंड परमजीत सिंह सोनी। सो ये है कंपनी की नटशेल पर डिटेल्स। कंपनी का आईपीओ कैसा लग रहा आपको, जो मेरा आपने वीडियो सुना कैसा लगा, अच्छा लगा ना, मुझे भी अच्छा लगा, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस आईपीओ में जरूर इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करें,
शॉर्ट टर्म में कुछ पता नहीं कैसा जाएगा। लिस्टिंग गेंस का मैं आपको कोई आंसर नहीं कर सकता, ग्रे मार्केट में स्टेम प्रीमियम दिख रहा है इसका, बट डेफिनेटली यू कैन कंसीडर दिस आईपीओ फॉर लॉन्ग टर्म, बट प्लीज 5-6 लॉट से ऊपर अप्लाई ना करें। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, रेस्ट योर ओन डिसीजन। आपने अगर अभी तक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है तो प्लीज ओपन योर डीमैट अकाउंट विद अस, ये नीचे दिए लिंक पे क्लिक करें एंड ओपन योर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट विद आईसीआईसीआई विदाउट एनी चार्ज। आप मेरे इन रिस्पेक्टिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े रह सकते हैं जहां मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहता हूं अबाउट स्टॉक्स, आईपीओस एंड डिफरेंट मटेरियल्स। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।